इज ए वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। इस केस में कुछ ऐसी सिचुएशन आपको दी जाती है कि पेड़ के ऊपर एक मंकी है और उसको आपने टारगेट किया। जैसे ही आपने टारगेट किया या आपने स्टोन थ्रो किया या बुलेट को फायर किया, तभी जो मंकी क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, अपने हाथ छोड़ देता है और नीचे की तरफ गिरता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मंकी को आपका जो स्टोन है वो या बुलेट है वो हिट करेगा या नहीं करेगा, तो वो हम देखते हैं, प्रूव करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से कैसे। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज करो इस पॉइंट के ऊपर मंकी था और ये टोटल हाइट है उस ट्री की या जिस भी हाइट के ऊपर वो था, और ये ग्राउंड है और यहाँ से आपने टारगेट किया उसको। यहाँ से हमने किसको टारगेट किया, यहाँ से हमने मंकी को टारगेट किया ऐसे, या मंकी था ना तो हमने टारगेट किया ऐसे। बट आपको पता है इधर हमने यू वेलोसिटी से इसको टारगेट किया, तो क्या ये यहीं पे लग जाएगा, नहीं लगेगा ना यहाँ पे, आपको पता है ऐसे स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, क्योंकि जैसे ये यहाँ से थ्रो हो जाएगा तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल बन जाएगा और ये पैराबोलिक पाथ करेगा, और उसके कारण इसका जो पाथ है वो कुछ इस टाइप से इसका पाथ हो जाएगा, ये ऐसे जाता हुआ और उसके बाद इसका पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा, वो यहाँ यहाँ आएगा। टारगेट आपने यहाँ किया था बट आ किधर रहा है, वो यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये आप किससे निकालते हैं, जो ट्रेजेक्ट्री जो प्रोजेक्टाइल है होती है आपके पास, क्या ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उससे निकालते हो। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं वाई बोल देता हूँ। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल आपके पास होती है वाई इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। वहाँ पे एक्स क्या है, एक्स ये है, इसको हमने क्या बोला एक्स, और ये क्या है थीटा। ओके, अब देखो ये यहाँ से हमने यहाँ तक की ये क्या निकाल ली, इसकी ट्रेजेक्टरी निकाल ली, मतलब ये जो हाइट है, जो प्रोजेक्टाइल है वो इस हाइट के ऊपर, यानी आपका जो बुलेट है या स्टोन है वो इस हाइट के ऊपर हिट करने वाला है। अब अगर जिस टाइम के ऊपर, जितने टाइम में ये बुलेट यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, उतने ही टाइम में अगर यहाँ से वो मंकी यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, इधर आ जाता है, तो क्या होगा, दोनों साइमल्टेनियसली इस पॉइंट पे आएंगे और आपका जो बुलेट है वो स्टोन है वो उस मंकी को हिट कर जाएगा, अदरवाइज वो इसको हिट नहीं करेगा। तो हमें देखना है कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा आया है, जितने टाइम में ये यहां तक आया है क्या उतने ही टाइम में ये ऐसे आएगा, तो हमें इसका ये निकालना है। अब मंकी यहां से ड्रॉप हो रहा है तो इसकी जो u है वो क्या है, जीरो, और ग्रेविटी से क्या आ रहा है, वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसको यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है, सपोज ग्रो इस डिस्टेंस को मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पे y डैश कंसिडर कर लो, ये y था, मैंने इसको क्या कर लिया, y डैश कर लिया, तो y डैश आपके पास कितना आने वाला है, y डैश आपके पास आ जाएगा, फॉर्मूला आप यहाँ से क्या लगाओगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, तो s तो आपके पास क्या हो जाएगा, y डैश ये था जीरो इज इक्वल टू हाफ एक्सेलेशन क्या हो जाएगा g और इंटू क्या हो गया ये t स्क्वायर, मतलब जो y डैश इसने जो डिस्टेंस डाउनवर्ड ट्रेवल की है मंकी ने टी टाइम में मतलब जितने टाइम में प्रोजेक्ट आई यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है उतने ही टाइम में मंकी डाउनवर्ड कितना आया वो मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल की इसने इस ये जरूरी नहीं ये y डैश कितने भी डिस्टेंस ट्रेवल की, सपोज करो उसने y डैश ट्रेवल की ना, ठीक है, मुझे नहीं पता वो यही आएगा ना, मुझे ये पता है कि टी टाइम में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वाई डैश इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी, यानी उस टाइम में ये ग्राउंड से मान लीजिए वो यहाँ पहुंचता है कहीं भी पहुंचता है मुझे नहीं पता, बट सपोज कर लो मैंने यहाँ पहुंच लिया, मैंने कंसिडर कर लिया वो यहाँ पहुंचा, तो फिर ग्राउंड से हाइट उसकी, क्योंकि मुझे ये हाइट पता है ना, मुझे पता है प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचेगा, तो इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी मंकी की, तो मंकी की जो ग्राउंड से हाइट है उसको मैं एच डैश बोल दूं, तो एच डैश आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल हाइट तो आपके पास एच थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइट कितनी है एच है, वो तो हो जाएगा एच और माइनस क्या हो जाएगा ये वाई डैश, क्या हो जाएगा एच माइनस वाई डैश हो जाएगा, तो एच डैश आपके पास क्या हुआ, एच माइनस वाई डैश हुआ, और वाई डैश की वैल्यू है हाफ जी टी स्क्वायर। अब अगर ये एच डैश मंकी की जो हाइट है ग्राउंड से वो, और वो ये जो वाई, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो वो हिट करेगा, अदरवाइज वो हिट नहीं करेगा। तो अब हम यहां से क्या देखते हैं, टाइम निकाल लेते हैं पहले, तो टाइम क्या है, ये टाइम कितना लगने वाला है, तो टी इज इक्वल देखो, अब इसको आप इधर थ्रो किया तो ये वेलोसिटी आपके पास क्या हुई, ये वेलोसिटी हुई आपके पास यू कॉस थीटा
और ये वेलोसिटी आपके पास हुई u sin थीटा इनिशियली, तो u cos थीटा से वो यहां से लेके यहां तक, यानी यहां तक आ रहा है ऐसे, तो उस दौरान ये x कितना हुआ, x इतना हुआ, u cos थीटा से इधर आया, ठीक है, और रेंज इसने ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल की यहां से लेकर यहां तक, तो टाइम कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई u cos थीटा, टाइम क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई u cos थीटा, ठीक है, ये तो आ गया टाइम। अब जो है मुझे ये h की वैल्यू और फाइंड आउट कर लेनी है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर ये h आया है ना, और इसमें x और tangent थीटा का कोई टर्म है, तो h अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो ये h में कैसे फाइंड आउट करूं, तो देखिए ये यहां थीटा लिया था हमने, इसको टारगेट करते हुए थीटा यहां बना था, तो यहां से h आप पता करोगे तो h डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा tangent थीटा हो जाएगा, और आपको मिलेगा h इज इक्वल टू x tangent थीटा। h की वैल्यू क्या रही आपके पास, x tangent थीटा, टाइम की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, एच की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, ये दोनों की दोनों वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो मेरे पास एच डैश कितना आएगा, एच डैश इज इक्वल टू एच, एच तो कितना है एक्स टेंजेंट थीटा, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम कितना आया एक्स बाई यू कोस थीटा, तो ये आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एक्स टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब मंकी है उसकी जो ग्राउंड से हाइट होने वाली है वो इतनी होने वाली है, और बुलेट की भी ग्राउंड से हाइट इतनी ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो ग्राउंड से हाइट है टाइम टी में वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, एच डैश के बराबर है, वाई किसके बराबर है एच डैश, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर मंकी और जो बुलेट है वो दोनों साइमल्टेनियसली पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये जो बुलेट है वो मंकी को हिट करेगी, बुलेट मंकी को हिट करेगी, आपने जो भी स्टोन फेंका है मंकी की तरफ वो उसको हिट जरूर करेगा।